उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी आरपीएन सिंह को अपने खेमे में लाकर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया। इससे कांग्रेस के बड़े नेताओं का भरोसा अपनी पार्टी से डिगने लगा है। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के G23 के नेता तो पहले से ही किनारे बैठे हुए हैं। अब इसी ग्रुप के नेता शशि थरूर ने इशारे इशारे में बड़ी बात कह दी है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि अभी कई और बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी नेताओं की जैसे बॉडी लैंग्वेज है, उसे देखते हुए इस बात की अटकलें लगने लगी हैं कि शायद और कांग्रेस नेता बीजेपी में चले जाएं। शशि थरूर का ट्वीट नेताओं की बेबसी साफ बयां करता है। उन्होंने लिखा कि छोड़कर जा रहे हैं घर अपना, शायद उनके कुछ और सपने हैं। अब उधर भी सब अपना सा है, अब उधर भी तो सभी अपने हैं। कांग्रेस युक्त भाजपा थरूर की इन लाइनों का मतलब निकाले जाने लगा है। क्या थरूर को बीजेपी अपनी सी लगने लगी है? क्या उनका मन बदल रहा है? क्या और नेता भगवा कैंप में जा सकते हैं? सच पूछिए तो कांग्रेस खेमे में अकेले थरूर नहीं है जो भारी दिल से बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता भी बार बार पार्टी को आईना दिखाने से नहीं चूक रहे हैं। बीजेपी राजनीतिक जौहर दिखाने से चूक नहीं रही। G23 के नेता गुलाम नबी आजाद को 5 राज्यों में चुनाव से पहले उसने पद्म सम्मान देने का फैसला किया। इसके जरिए उसने मैसेज दिया कि वह पार्टी लाइन से उठकर देश हित में काम करने वालों के लिए योगदान की सराहना करती है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी बीजेपी के कार्यकाल में भारत रत्न देने का फैसला लिया गया था, तब भी उसने हैरान कर दिया था। इस कदम से बीजेपी एक झटके में कांग्रेस के बड़े हीरो को अपने पाले में ले आई थी। आजाद को पद्म सम्मान देकर भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया। कश्मीरी नेता को इस सम्मान पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया आई। यह कांग्रेसी नेताओं के मूड को साफ दिखाता है। कांग्रेस खेमे में किस तरह अंदर खाने बट गई है, इसका भी कुछ अंदाजा हो जाता है। सिब्बल ने जम्मू कश्मीर के पूर्व CM को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण बधाई हो भाई जान। विडंबना है कि देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को सम्मान दे रहा है, लेकिन कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद दोनों कांग्रेस के G23 गुट के नेता हैं। यह कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का वह धड़ा है जिसने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में सुधार किए जाने की बात कही थी। इस पत्र को लेकर काफी बवाल हुआ था। हालांकि जयराम रमेश ने इशारों में तंज किया। उन्होंने बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य के बहाने गुलाम नबी पर तंज कसा। बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम भी पद्म भूषण की लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन CPM के वयोवृद्ध नेता ने सम्मान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम रमेश ने ट्वीट किया, सही कदम उठाया, वह आजाद रहना चाहते हैं न कि गुलाम। कांग्रेस को अलविदा कहने वाले नेताओं में आरपीएन सिंह का नाम सबसे ताजा है। उनसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद भी कांग्रेस से हाथ छोड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता सिर्फ बीजेपी में ही नहीं गए, उनका पलायन TMC जैसे दूसरे दलों में भी हुआ है। मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल थे। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद सुष्मिता देव, लुई जिन्हो फ्लोरियो और अभिजीत मुखर्जी भी TMC की राह पकड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।